पवई तहसील मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मडयन गांव के लोग करेंगे चुनाव का बहिष्कार। एक तरफ जहां निर्वाचन आयोग द्वारा विस्तृत पैमाने पर अधिक से अधिक मतदान कराने के लिए जन जागरण किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जनप्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली का आम जन में असंतोष का सामना भी निर्वाचन आयोग को करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला विधानसभा मुख्यालय पवई से महज 7 किलोमीटर दूर ग्राम मडयन का सामने आया है। इस गांव के आधा सेक्टर से अधिक लोगों ने आज एसडीएम कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर पन्ना के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि आज़ादी के बाद से आज तक मडयन गांव तक पहुँच मार्ग नहीं बन सका है। 1000 की आबादी वाले इस गाँव में पहुँचने के लिए रामपुर पैरोटी कटिया खारा जमनी गाँव होकर जाना पड़ता है। आवागमन के लिए मुख्य मार्ग से महज 7 किलोमीटर सड़क बन जाने से 5 गांव का सुलभ आवागमन हो जाएगा, लेकिन जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा एवं कोरे वादों से ऊब चुकी जनता ने आज एसडीएम पवई के यहां ज्ञापन सौंपा कि आने वाले विधानसभा चुनाव सहित सभी छोटे बड़े चुनाव में वे मतदान का बहिष्कार करेंगे। ज्ञापन में कहा गया है कि खेतों की पगडंडी के माध्यम से लोग आवागमन करते हैं, वही बारिश के दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जिससे गर्भवती महिलाएं, स्वास्थ्य सेवाएं एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है। अब देखना यह है कि ग्रामीणों द्वारा दिए गए ज्ञापन से प्रशासन किस तरह निपटता है। फिलहाल जनता के इन प्रयासों से नेताओं के कान खड़े हो गए हैं। इसलिए कि हमारे गांव में रोड नहीं है, जब तक कहे कौन पार्टी आवे कौन चुनाव हो वोट नहीं डालेंगे। नहीं तो कब से रोड नहीं? आज मान लो 70 साल से हम देख रहे हैं, मान लो हम 60 साल के हैं, डर रहा है बस। तो आप लोगों ने इसके लिए जनप्रतिनिधि से मांगने की मांग की है, उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल बन जाएगा, मतलब मंजूर है जी है वो है, समझ लो कि करते करते बरसात लग गई है कार्तिक में बन जाएगा, मतलब यही मतलब कहते कहते पूरी 5 साल चलेगा। तो अब जैसे रोड नहीं वोट नहीं तो ये ज्ञापन तक ही सीमित रहेगा, तो इसका असर वोटिंग में भी पड़ेगा? वोटिंग में पड़ेगा ना, क्या होगा मतलब वोट ही डालेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में? नहीं, विधानसभा किसी भी चुनाव में हल्का बड़ा कोई भी चुनाव वोट नहीं डालेंगे, जब तक वोट नहीं बनेगा तब वोट नहीं डालेंगे किसी भी छोटे या बड़े चुनाव में किसी भी। क्या नाम है आपका? श्याम बिहारी।